सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। जो ठाकुर जी सत्चित आनंद स्वरूप हैं, सतघन चितघन आनंदघन, माने जिनकी कथा हम सुनने जा रहे हैं भागवत में जिस तत्व का निरूपण है वह परम तत्व क्या है, बोले वह सत्य स्वरूप है, वह चिद रूप है अर्थात वह ज्ञान रूप है और वह आनंद रूप है। सत्चित आनंद सच्चिदानंद, हर व्यक्ति सत्य की खोज में है, सत्य से सब कोई प्रेम करते हैं, कोई कितना भी झूठ बोलने वाला हो वो यही चाहता है कि मुझसे कोई झूठ ना बोले। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझसे जो कुछ कहो सच सच कहना, चाहते कि नहीं? हर व्यक्ति सच की खोज में है, सत्य की खोज में है, और जिस सत्य की खोज में है उसी परम तत्व का, उसी सत्य का निरूपण भागवत में है। हम उसी ब्रह्म से, उसी परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ने के लिए यहां बैठे हैं। तो जब सत्य से हम जुड़ जाएंगे तो असत्य से धीरे धीरे अलग होने लगेंगे, और तकलीफ देने वाली जो वस्तुएं हैं वो असत हैं। सत वस्तु कभी तकलीफ नहीं देगी, कभी भी आपको तकलीफ देगी तो झूठ तकलीफ देगी, सच थोड़ी तकलीफ देगी। भले ही कहा जाता है सच कड़वा होता है, कड़वा तो है लेकिन आनंददायी है। झूठ थोड़ी देर अच्छा लग सकता है लेकिन वास्तव में उस झूठ के द्वारा हमें सुख तो नहीं मिल सकता, शांति तो नहीं मिल सकती। हाँ क्षणिक उसके महल बहलाया जा सकता है लेकिन वास्तव में तो हम सब सत्य के अंश हैं, इसलिए हम सबकी इच्छा सत्य को प्राप्त करने की रहती है। तो यूं कहा जा सकता है कि भागवत की यात्रा सत्य की खोज की यात्रा है कि हम उस सत्य को खोजें, वह परम सत्य क्या है जो इस संसार का वास्तविक सत्य है, हमारे जीवन का सत्य है। क्योंकि हमारा जीवन असत में भटक रहा है, ये नाते रिश्ते ये वो ये सब क्या है, असत है। वो असत में जब भटकेगा तो परिणाम में दुख ही मिलेगा, धोखा मिलेगा, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा। तो असत में भटकने से दुख ही मिलेगा, यदि सुखी होना है तो सच्चिदानंद परमात्मा का आश्रय ले लें, सत्य का आश्रय ले लें। अब उस सत्य को कितनी जल्दी हम स्वीकार करते हैं हमारे ऊपर है। किसी ने संसार को भोगे बिना ही, असत में डूबे बिना ही उस सत्य को स्वीकार कर लिया और वह प्रपंच से बचकर के सत्य की राह पर चल पड़ा, उस सत्य के शरण में पहुंच गया। कोई कोई सत्य को पहचानने में समझने में बहुत देर कर देते हैं, संसार को भोगते हैं, संसार को समझते हैं, विषयों में उलझते हैं, उसके बाद सत्य का बोध होता है, बाद में सबसे वैराग्य हो जाता है और फिर उस सत्य की ओर बढ़ते हैं। और कोई कोई पूरा जीवन निकल जाता है उसी असत में पड़े रहते हैं, उसी में भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं लेकिन सत्य की ओर नहीं बढ़ पाते। ये रोना ये तड़पना ये कब तक चलेगा? बोले जब तक सत्य को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा और सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लिया जाएगा। हमारा जब जन्म हुआ तो सबसे पहले हमने क्या किया? जन्म होते ही सबसे पहले हम रोए, रोए कि नहीं? हर बच्चा जन्म लेते ही रोता है। साहू जी कौन से इनमें? हमारे जो साहू परिवार है, आप साहू जी हैं? हाँ, सभी यजमानों को आज पहचान तो लें, आप जसवाल परिवार है, आप साहू जी और गुप्ता परिवार, आप गुप्ता जी हैं, आप सिंगरौली से हैं? जी जी जी, साहू जी कटक उड़ीसा से हैं और हमारे गुप्ता जी जो हैं ये सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। बहुत सुंदर प्राचीन। तो साहू जी, सत्य को स्वीकार करने में जितना समय लगेगा उतनी देर तकलीफ रहेगी और जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना आनंद रहेगा। हम लोग सत्य की राह पर निकले, सत्य को समझना। हाँ, हम कह रहे थे कि जब हमारा जन्म हुआ तो सबसे पहले हम रोए, और जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जिन पर हम रोते हैं, रोते रोते यात्रा चलती है,
और रोते 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 आगे बढ़ते रहे, लेकिन ये रोना कब तक चलता रहेगा? बोले जब तक असत से संबंध जुड़ा है, क्योंकि असत संसार में आए तो रोना पड़ा। असत से जब तक जुड़े रहेंगे, असत में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक रोना बना रहेगा। और जिस दिन सत्य से संबंध जुड़ जाएगा, सत्य को पहचान जाएंगे, उस दिन जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा साहब, रोना समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे कबीर बाबा ने इस पर बहुत विचार किया और कबीर जी ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए। वो ऐसी करनी क्या है? वह है परमार्थ, वह है सत्य की राह पर चलना, वह है उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना। क्योंकि महापुरुषों को याद करके हम लोग उनकी त्रोभाव तिथि मनाते हैं कि नहीं? संसारियों की जन्म तिथि ज्यादा महत्व रखती है। संसारियों का जन्म कब हुआ? बोले इनका जन्म तब हुआ था, इनका जन्म तब हुआ था। संसारियों की जन्म तिथि को ज्यादा ध्यान रखा जाता है और महापुरुषों की पुण्यतिथि को ज्यादा ध्यान रखा जाता है। महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाई जाती है क्योंकि जन्म तो सबका एक जैसा हुआ है, लेकिन मरण सबका अलग अलग होगा। बोले मरना तो सबको है, पर महापुरुषों का प्रयाण विलक्षण होता है, महापुरुषों की मृत्यु अलग होती है। लोग रोते हैं कि भाई कोई था। हम उस सत्य की राह पर चलें और उस सत्य को स्वीकार करें, और जितना जल्दी हम उस सत्य को स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी आनंद प्राप्त हो जाएगा। सत्य चित आनंद, चित माने ज्ञान। उस सत्य का ज्ञान जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। और जब तक सत्य की राह पर नहीं चले, सत्य को नहीं पहचाना, उसके आश्रित नहीं हुए, तब तक रोना लगा रहेगा। भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना, विश्व का संहार कर देना, यह भगवान का कार्य है। और यह जो कार्य है विश्व की उत्पत्ति करना, तो विश्व की उत्पत्ति करना भगवान का कार्य है। हम लोग भी अपनी सृष्टि बनाते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं, अपना घर, अपना मकान, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों, लेकिन हमारा वह बनाया हुआ बाना कितने दिन हमारे साथ चलेगा कहा नहीं जा सकता। कब कौन छूट जाए, बिछड़ जाए, चला जाए, भगवान ने जो बनाया है उसको भगवत भाव से स्वीकार करें, माने ये मानकर कि ये भगवान का है, तब तो आनंद है। वो हमने अपना मान लिया कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा ये है, तो बंधन में डालने वाला हो गया। ऐसा नहीं है कि सबसे व्यवहार ना रखें, स्नेह ना रखें, सबसे रखें, लेकिन भगवत भाव से। इसका बनाने वाला कौन है? बोले मैं तो निमित्त हूं, बनाने वाले तो ठाकुर जी हैं, उन्हीं ने तो बनाया है। ये सब किसने दिया? क्या हम अपने मर्जी से अब कोई माता पिता चुन सके कि हमें इनके घर में पैदा होना है? नहीं ना, अपनी मर्जी से पत्नी पति मिला नहीं, कर्मानुसार मिल गया संतान, कर्मानुसार मिल गई। तो किसने दिया? ठाकुर जी ने। बोले जिसने दिया है पर उसी पे छोड़ दो, मेरे राम अब तुम्हें जो ठीक लगे सो करो।